हे भगवान, क्या होगा मेरी बेटी का? भगवान, आज तक मैंने जो भी पूजा पाठ की है उसका फल मेरी बेटी को दे दे, इसका घर बसा दे, बस इसका घर बसा दे। मम्मी जी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं बहू। मम्मी जी, आप दीदी की वजह से परेशान हो ना, चिंता मत करो मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। लगता है अब तो भगवान ने भी मेरी सुननी बंद कर दी। ऐसा मत कहो मम्मी जी, कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही। देखो, मैं जरा खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप सुनाओ। बस मैं भी ठीक ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरी नंद है ना, फिर लड़के आ गई, हफ्ता भर हो गया फिर यही है। वैसे आपकी नंद का भी ना चौथे दिन का खेल हो गया, ऐसे लड़के घर में आने का, बात क्या हो गई है आखिर? रुको एक मिनट। क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे लगा कहीं सुन ना रही हूँ, बेवजह बात का पतंगड़ बन जाएगा कि मेरी चुगली कर रही है। अच्छा, सही बताऊँ भाभी, बात बात तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, पर है ना सब परपंच है ना, इन्हीं के रचाए हुए हैं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहें। क्या मतलब? ना तो मैडम वहाँ काम करना चाहती, और खर्चीली इतनी है, हर महीने नई ड्रेस चाहिए। अरे यहाँ तो लड़ झगड़ के कैसे ना कैसे ले लेती थी, पर वो ससुराल है, वहाँ थोड़ी मन मर्जी चलेगी, सास को समझाती है तो 10 सुनाती है। यहाँ तो जैसे तैसे कह कवा लेती थी, वहाँ कौन सुनेगा भला इनकी, ना आदमी को कुछ समझती। और जिया जी ना सही में इतने अच्छे इंसान है ना, उनकी भी कदर नहीं करती। अरे चलो सास ससुर की एक बार को ना करो, पर आदमी की तो कदर कर लो। मौसी जी क्या कहती हैं? अरे वो बेचारी तो ना समझा समझा के हार गई, अकेली रोती रहती है कोने में, सही में इतना तरस आता है ना उन पे, कई बार तो ना सही में इतना गुस्सा आता ना सूढ़े चली जाऊँ। अरे ना तो अपने आदमी की परेशानी दिखाई देती, ना अपनी माँ के आंसू दिखाई देते, भगवान जाने। सही में दीदी पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, और एक हम थे, अगर ससुराल में 20 बात होती थी ना तो ज़्यादा पूछने पे तब एक बात निकलती थी मुँह से, और आजकल एक बात होगी उसकी 20 बना के बताती हैं घर में। अब देखो भाभी, आप भी उसी जगह हो और मैं भी इसी जगह हूँ, पर आप ये बताओ मैंने कभी शिकायत की आपको यहाँ की? वही तो कह रही हूँ दीदी, अरे थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब देखो हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, अब कुछ कमी तो हम में भी है ना, और थोड़ी बहुत हमें इग्नोर करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत दूसरे को, अरे तभी तो घर गृहस्थी बसती है। यही बात तो समझ में नहीं आती हमारी बहन जी के, खुद तो झुकना नहीं है, बस इनके आदमी और ये इनके सास ससुर झुकते रहे हर बार, कह कह के हार गए, पर भगवान जाने, समझने की कोशिश ही नहीं करती कुछ। दीदी एक बार आप मेरा का करके देख लो, क्या पता तुक्का बैठ जाए। अच्छा बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे, इनका घर बस जाए, मुझे तो यही चाहिए बस। करके देख लेती हूँ, क्या पता तीर निशाने पे लग जाए, पर एक बात का ध्यान रखना, इसके बारे में ना पहले मौसी जी को बता देना, कभी उनका घर सही करने के चक्कर में तुम अपने घर में झगड़ा कर लो। ठीक है भाभी, ध्यान रखूंगी इस बात का, बस मैं तो यही चाहती हूँ भगवान ये सही सलामत अपने घर चली जाए। भाभी अभी यहाँ बैठी फोन चला रही हो, मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दो मेरे लिए। खाना मैंने बना के रख दिया है, सब्जी कुकर में रखी है और कैसरोल में रोटी रखी है, जाओ और लेकर खा लो। क्या रोटी सेक के रख दी? भाभी आपको अच्छे से पता है मुझे ना ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, मुझे गर्म रोटी खानी है, फटाफट सेक दो मेरे लिए, आओ जल्दी।
दीदी खाना खाने का भी टाइम होता है, मैं कोई 24 घंटे रसोई में नहीं खड़ी रहूंगी। और गर्म ही खाना है ना, तो जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना तब आया करो। और गर्म रोटी खानी है ना तो आटा गूंदा रखा है और जाके है ना बनाओ और खा लो। ये मेरा रेस्ट का टाइम है, मुझे रेस्ट करने दो। अरे हिम्मत तो देखो इनकी, अभी बताती हूँ मम्मी को जाके। हाँ तो जाओ कह दो, डरती नहीं हूँ उनसे। मम्मी समझा लो भाभी को, मैंने गरम रोटी सेकने की कही तो कह रही है सेक लो खुद, मेरे बस का नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, वो नहीं सेक रही तो तू सेक ले। क्या मैं सेक लूँ? हाँ, और ये जाते टाइम मेरे कमरे की लाइट बंद कर दे, मैं सोऊंगी अब। हाँ तुम सो आराम से, मैं यहाँ भूखी मरे जा रही हूँ और तुम्हें अपने सोने की पड़ी है। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं ना, लूली लंगड़ी तो नहीं है, कर सकती है काम। अब मुझे सोने दे, मेरा दिमाग खराब मत कर। भाभी आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए, वो छोड़ दिए मशीन में आपने। नहीं धोए तो नहीं धोए, धो लो अपने आप। भाभी हो क्या गया है आपको? अरे पहले तो मैं जब आती थी मेरे काम के लिए आगे पीछे घूमती रहती थी, और अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ करती थी आपके आगे आगे काम, क्योंकि पहले आप है ना मेहमान बन के आती थी, लेकिन अब तो आप यहाँ जमकर ही बैठ गई हो। आपको अपने ससुराल में नहीं रहना, मत रहो, लेकिन यहाँ रहोगी ना तो मेरे संग बराबर काम करवाना पड़ेगा। झाड़ू तुम लगाओगी तो पोछा मैं लगाऊंगी, एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी तो एक टाइम का तुम बनाओगी, और बर्तन भी दोनों बारी बारी साफ करेंगे, समझ गई? मम्मी आप ऐसे चुपचाप भूत बन के बैठी हो, ये इतना सुनाई जा रही है मुझे, कुछ कह नहीं सकती हो इनको? बेटा मैं क्या कहूँ, बहुत बोल रही है, अब मैं बोलूंगी, ये घर मेरा है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझ गई? तो ठीक है, अगर मुझे यहाँ काम ही करना है तो मैं अपने ससुराल में जाके ना कर लूंगी, कम से कम वहाँ इंसल्ट तो नहीं होगी मेरी। जा रही हूँ मम्मी मैं अपने घर, सुन रही हो? जा रही हूँ मैं। जा बेटा तू अपने घर जा, तेरा यहाँ गुजारा होने वाला नहीं है, तेरा गुजारा वहीं है, जा बेटा बसा ले अपना घर। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, दीदी को सही रास्ते पे लाने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। नहीं बहू, जो तूने किया है ना, काश वो हम पहले ही कर लेते तो इतना सब हमें झेलना नहीं पड़ता। कोई नहीं मम्मी जी, बस अब भगवान करे ये वहाँ खुश रहें।